नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एडवर्ड एक बार फिर से आप लोगों के बीच में सैमसंग डिफ्रॉस्ट वायरिंग के बारे में जानकारी दूंगा और साथ ही साथ वीडियो कॉन का भी मैं इसी में दोनों का बता दूंगा। सेम वायरिंग है दोनों की दोस्तों, थोड़ा सा फर्क है। इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैं LG का और गोदरेज का और वर्लपूल के बारे में जानकारी दी थी वैसी जानकारी इसमें दे रहा हूँ। सब कंपनी का वायरिंग थोड़ा थोड़ा अलग होता है, तो आइए अब जानते हैं किसकी वायरिंग कैसे है, हमको कैसे टेस्ट करना है। जैसे कि दोस्तों सैमसंग का डिफ्रॉस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, उसकी वायरिंग के बारे में मैं पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें आप ध्यान देंगे और आगे पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि समस्या क्या होती है और कैसे हमको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। जैसे कि दोस्तों जैसे सप्लाई हम देते हैं इसमें, जैसे हम सप्लाई देंगे दोस्तों सबसे पहले थर्मोस्टेट में जाता है, ये भी ग्रे कलर की वायर है और आउटपुट होता है येलो से और तीन नंबर में जाता है दोस्तों। जैसे कि हर टाइमर का तीन नंबर कॉमन होता है दोस्तों, उसके बाद एक नंबर का जो सप्लाई है, जैसे सप्लाई ऑन करेंगे स्टार्ट हो जाएगा, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। कंप्रेसर कैसे सप्लाई जा रहा है आपको ट्रेस कर लीजिएगा। देखिए कि जैसे समझा रहा हूँ, तीन में सप्लाई जैसे ऑन होगा फिर कॉन्टेक्ट चार में बनता है, चार में मतलब कैपेसिटर में आएगा दोस्तों, और स्काई कलर का है और पिंक कलर का है, रनिंग कैपेसिटर में आएगा और यहीं से फैन मोटर को जाएगा स्काई, और ये रहेगा आपका डोर स्विच से रहेगा। फिर इसका फैन मोटर से जो आउटपुट मतलब न्यूट्रल जो आएगा दोस्तों, तो वो पिंक कलर का रहेगा, तो वो डोर स्विच से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डोर स्विच से भी दे सकते हैं, इसको अपन यहाँ से भी दे सकते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट हो जाएगा। तो वो वीडियो कॉन में है और इसमें ऐसा नहीं दोस्तों। तो ऐसे अब हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया दोस्तों, जैसे इसमें देखेंगे अभी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, फैन मोटर भी स्टार्ट हो जाएगा और सारा फंक्शन चालू हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे स्टार्ट होगा तो कंप्रेसर का कूलिंग सर्कुलेशन होना चालू हो जाएगा, कंडेंसर कॉइल से होकर ये एवोपोरेटर कॉइल में जाएगा। एवोपोरेटर कॉइल में जब -5 डिग्री आएगा तब आपको जैसे हर वीडियो में बताया तब ये NC होगा दोस्तों। तो जब ये जिसको सप्लाई देखिएगा, इसमें सप्लाई जो है हीटर से होकर आपका थर्मल फ्यूज से उठ के ये आपका एक नंबर में चल गया। तो जब सप्लाई देते हैं तो ये स्टार्ट हो गया दोस्तों, टाइमर अपना ऑन हो गया दोस्तों। तो टाइमर के अंदर में मोटर होता है एक नंबर, और तीन नंबर को जब सप्लाई देते हैं तो ये हमारा टाइमर ऑन हो जाता है। टाइमर ऑन हो गया और टाइमर ऑन होने के बाद ये सैमसंग का 6 घंटा 40 मिनट और 12 मिनट का डिफ्रॉस्ट रहता है दोस्तों। ध्यान देंगे हर कंपनी का टाइमिंग अलग अलग होता है दोस्तों, और वीडियोकॉन को होता है 8 घंटा 14 मिनट होता है। अभी हमारा स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद अब जब हम इसको चेक करेंगे तो एक नंबर में न्यूट्रल आएगा दोस्तों, और ये दो नंबर भी उस समय जब स्टार्ट करेंगे तो ये न्यूट्रल ये वाला जो आपका रहेगा, ध्यान से आप देखेंगे दोस्तों। तो जब स्टार्ट करेंगे तो हम जब कहीं भी टेस्ट करने जाते हैं तो हमको बाहरी टेस्ट करने से पता चल जाता है, जैसे कि मैंने गोदरेज में आपको पूरा लाइव दिखाया था कि हमको कैसे चेक करना है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम ये बायोमेटल स्विच ऑन नहीं होगा, ये -5 डिग्री पे आने पर ये ऑन होता है दोस्तों। तो जब ऑन करेंगे, जब -5 डिग्री आ जाएगा तो फिलहाल इसमें भी न्यूट्रल आएगा, ये भी न्यूट्रल आएगा, ये भी न्यूट्रल आएगा। न्यूट्रल एक और तीन में अगर देखेंगे तो 230 वोल्ट आएगा, इसमें भी देखेंगे एक दो और तीन में तो भी 230 वोल्ट आएगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा बायोमेटर स्विच ओके है, अगर इस बीच में अगर नहीं हो रहा तब ये फेलियर कहलाएगा दोस्तों। तो अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये ठीक 6 घंटा 40 मिनट के बाद जब ये कमांड करेगा दो नंबर पे, तो दोस्तों जैसे दो पे ऑन करेगा हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर ऑन हो जाएगा, पर हमारा टाइमर उस टाइम बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारा न्यूट्रल इसको अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से फेस आ जाता है तो यहाँ से न्यूट्रल है, सर्किट ये पूरा हुआ तो हीटर ऑन हो जाएगा। जब हीटर ऑन हो जाएगा तो हीटर जैसे ऑन होने के बाद जितनी भी इसकी आइसिंग है जब मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद प्लस 10 डिग्री आएगा तो बायोमेटल स्विच ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ऑफ होगा दोस्तों तो ये सप्लाई यहाँ से टाइमर का कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो फिर से पुनः एक नंबर में सप्लाई चला जाएगा, एक
जैसे सप्लाई चला जाएगा दोस्तों, फिर ये टाइमर हमारा रन करना चालू करेगा। उसके बाद 12 मिनट के बाद, ठीक, उसके बाद ध्यान देंगे, उसके बाद 12 मिनट तक ये टाइमर में सप्लाई चालू हो जाएगा, पर हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा ये ओपन हो गया, सप्लाई हमारा यही है पर यहाँ पर ये ऑफ हो चुका है। तो उसके बाद 12 मिनट, ठीक, 12 मिनट के बाद हमारा टाइमर रन करेगा। टाइमर रन होने के बाद जब 12 मिनट के बाद फिर ये फिर पुनः 4 नंबर में ये सप्लाई दे देगा, फिर हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब की वायरिंग के बारे में बताया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी डिफ्रॉस्ट वायरिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल सके। कभी भी हम डिफ्रॉस्ट वायरिंग करते हैं कोई भी कंपनी का, यहीं पर ही हमको समझने की बात होती है। 2 नंबर हमारा हीटर को रहता है और 4 नंबर हमारा कंप्रेसर को जाता है दोस्तों। तो हमको कभी भी प्रेस करना है तो हमको वायरिंग की पूरी जानकारी होगी तो पूरा अपन बड़े आसानी से अपन कार्य कर सकते हैं। हमको पूरा थर्मल फ्यूज, बायमेटल और टाइमर का पूरा वर्क मालूम होना चाहिए और कैसी वायरिंग होती है दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसी प्रकार पर दोस्तों अब मैं वीडियो कॉल में भी एक्सप्लेन करूंगा, उसमें सिर्फ चेंजेस क्या है, इसमें जो एल है मतलब लाइन है थर्मोस्टेट में स्विच में जा रहा है, थर्मोस्टेट स्विच में टाइमर में जा रहा है, तो उसमें एन जाएगा, न्यूट्रल जाएगा, सिर्फ इसको उठा के न्यूट्रल की तरफ कर दिया और लाइन को इधर कर दिया, मतलब फेस को इधर कर दिया। और ये डोर स्विच से है, आप ध्यान देंगे फैन मोटर डोर स्विच से है, सैमसंग में डोर स्विच से रहता है दोस्तों। और उसका टाइमर 8 घंटा 40 मिनट है, जैसे कि इसमें 6 घंटा 40 मिनट है, उसमें 8 घंटा और डिफ्रॉस्ट है 14 मिनट का, ये 6 घंटा 40 मिनट और 12 मिनट का डिफ्रॉस्ट है दोस्तों। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ चेंजेस टाइमर का है और आप ध्यान देंगे। और ये जो डोर स्विच है उसको डायरेक्ट दिया है, ये डोर स्विच के द्वारा फैन मोटर को दिया है। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और अभी आप वीडियो में बने रहिए, बस मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने बताया था न्यूट्रल थर्मोस्टेट में जा रहा है और थर्मोस्टेट से निकल कर दोस्तों 3 नंबर में जा रहा है, ठीक है, और 4 नंबर में कंप्रेसर को जा रहा है। और इसका कलर कोड सेम लगभग वैसे ही है, मैंने येलो है ना, कलर वाइट लिख दिया, वाइट लिख दिया है, स्काई ब्लू है, स्काई ब्लू है, स्काई ब्लू है, ये कलर कोड है, ये वीडियोकॉन का है। तो दोस्तों सैमसंग का और वीडियोकॉन का लगभग सेम टाइमिंग वायरिंग डायग्राम सेम है। देखिए उसमें सप्लाई एन लाइन मतलब न्यूट्रल को थर्मोस्टेट में दिया है और थर्मोस्टेट से फिर 3 नंबर में, इसमें 3 नंबर में न्यूट्रल रहेगा, ध्यान देंगे। इसमें सिर्फ वायरिंग का मतलब न्यूट्रल फेस को पलट दिया है, लाइन को फेस को इधर था तो उसको इधर कर दिया और न्यूट्रल को इधर कर दिया, बस वही है और कुछ नहीं, इसमें चेंजेस कुछ नहीं, सेम वर्किंग है, सेम काम करता है दोस्तों। तो इसमें छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि अपना सप्लाई जाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं थर्मोस्टेट में जाता है, थर्मोस्टेट हर कंपनी का अपना अलग अलग रहता है, पर थर्मोस्टेट का काम नीचे वाले कंपाउंड में रहता है सबका और वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है दोस्तों। अगर हमारा सप्लाई ग्रे कलर की वायर आएगी, थर्मोस्टेट में इन होगा, यहाँ से आउट होगा, वो येलो कलर का रहेगा और येलो कलर है जो 3 नंबर में जाएगा, 3 नंबर जैसे जाएगा ये स्टार्ट हो जाएगा, कंप्रेसर जाएगा रनिंग कैपेसिटर में जाएगा, रनिंग कैपेसिटर होकर रिले में होकर कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर को न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट दिया गया है OLP में। इसमें जो फेस है इसमें सॉरी फेस आएगा, इसमें फेस दे रहा सीधा OLP में और एक कंप्रेसर में स्टार्ट हो गया, कंप्रेसर स्टार्ट होगा, वही प्रक्रिया होगा, 8 घंटा जैसे होगा वैसे स्टॉप होगा, ये 2 पे कमांड देगा और बायमेटल होगा 5 डिग्री में, -5 सेल्सियस में काम करता है दोस्तों। और उसके बाद -5 सेल्सियस जब रहेगा दोस्तों तो ये NC रहेगा, तो सप्लाई इसमें चला जाएगा थर्मल फ्यूज होके सेम, और हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर ऑन हो जाएगा। डिफ्रॉस्ट हीटर जैसे ऑन होगा, जैसे मेल्ट हो जाएगा आइसिंग पूरा मेल्ट होगा, मेल्ट होने का जैसे बायमेटल स्विच जैसे प्लस डिग्री में आएगा, +10 डिग्री में जैसे आएगा ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा सप्लाई कट हो जाएगा, सप्लाई जैसे कट होगा तो न्यूट्रल वापस यहाँ से फिर से न्यूट्रल इसमें आ जाएगा और न्यूट्रल आने के 1 नंबर में चला जाएगा तो फिर से हमारा टाइमर रन करना चालू कर देगा। टाइमर उसके बाद से 14 मिनट तक टाइमर चलेगा, उसके बाद फिर कमांड दे देगा
चार नंबर पे, फिर उसके बाद फिर से कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर फ्रिज का जो टाइमर है अपने टाइमिंग के हिसाब से काम करता है दोस्तों। तो उसमें हमको चेक करने की आवश्यकता है, हमको क्या क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, इस डायग्राम के बारे में पूरा अगर आपको नॉलेज होगा तो बड़े आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। आपको सब डायग्राम के बारे में मैं लगभग सब चीज का बता चुका हूँ। थोड़ा थोड़ा चेंजेस है दोस्तों, और कुछ नहीं, कलर कोड बस चेंज रहता है और वायरिंग में थोड़ा थोड़ा फर्क है। जिस प्रकार से अपना वर्लपूल का चेंज रहता है, वर्लपूल का बायमेटल के बाद ध्यान देंगे, ये जिस प्रकार से बायमेटल से पहले दिया थर्मल फ्यूज से होकर गया, तो उसमें वर्लपूल में बायमेटल से हुआ, जब बायमेटल जब एनसी होगा तब ये इसमें सप्लाई आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ वर्लपूल में ऐसा दिया है, और बाकी तो ऐसा मेरे हिसाब से कोई रेफ्रिजरेटर में नहीं है। तो सब अपनी अपनी कंपनी अपने हिसाब से देती है, और सब अच्छा है, कोई वायरिंग बुरा नहीं है, सब अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। और डिफ्रॉस्ट वायरिंग ऐसे ही इसी प्रकार से आप काम कर को नॉलेज होगा तो आप अच्छे से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरा कलर कोड रहता है दोस्तों, इसमें सिर्फ चेंजेस हुआ है, फेस की जगह में न्यूट्रल कर दिया है और न्यूट्रल की जगह में फेस कर दिया है, और कुछ नहीं। उसमें सैमसंग में डोर स्विच से दिया था और इसको डायरेक्ट दे दिया है, और एलजी में क्या होता है थर्मल फ्यूज से दिया है, एलजी में दिया है थर्मल फ्यूज के आउटपुट से न्यूट्रल दिया है। जैसे यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ से दिया है, ऐसा देखेंगे तो ये न्यूट्रल दिया। जब थर्मल फ्यूज खराब होगा तो फैन मोटर और चेंज हो जाएगा। तो एलजी में ऐसा है, और सब कंपनी का अपने अपने हिसाब से वायरिंग डायग्राम दिए हैं दोस्तों, सब अपनी सेफ्टी के हिसाब से काम करते हैं। तो इसका मेरा जानकारी देने का था मतलब ये था कि अभी हमारे पास जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं जो नए हैं, तो डबल डोर में काम करेंगे तो आपको ये सब डायग्राम अगर देखेंगे जिस प्रकार से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, और आशा करता हूँ आप लोग ये सब डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसे समझ आ जाएगा तो फिर आप कभी भी डिफ्रॉस्ट वायरिंग में कभी भी समस्या आपकी आएगी तो आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसमें जो आने वाली जो समस्याएं हैं उसके बारे में एक बार फिर से मैं छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप ध्यान देंगे। कभी भी न्यूट्रल इसमें दिया है, न्यूट्रल न्यूट्रल जाएगा थर्मोस्टेट में जा रहा है, थर्मोस्टेट आउटपुट से येलो होकर ये भी ग्रे कलर का, ग्रे कलर इन होगा ठीक है, और ये आउटपुट थर्मोस्टेट से आएगा टेम्परेचर। अगर हमारे यहाँ से सप्लाई आगे नहीं जा रहा है तो समझ जाइए हमारा ये थर्मोस्टेट खराब है, या हमारा ज़्यादा कूलिंग कर रहा है और उसके बाद भी सेटिंग के बाद भी नहीं हो रहा है, तो थर्मोस्टेट चेंज करने की आवश्यकता है। अब हमें टाइमर के बारे में बता देता हूँ। जैसे 1 और 3 में सप्लाई रहता है, ये मोटर है, इसके अंदर कॉइल मोटर रहता है, मोटर को इसको गियर को घुमाने का काम करता है दोस्तों। तो इसके अंदर टाइमर रहता है, सब छोटी छोटी गियर होती है, आप कभी भी देखना, कभी भी खोल के देखना, आप देखेंगे खोल के देखेंगे समझ में आ जाएगा कि कैसे ये काम करता है। तो इसके बीच में ये पत्ती रहती है जो इसमें इसमें कांटेक्ट बनाता है, और गेयर बॉक्स गेयर होते हैं ढेर सारे, इसके अंदर गेयर होते हैं, वो गेयर टाइमिंग आने से 8 घंटा जैसे टाइमिंग आएगा तो ये सप्लाई 4 से 2 में कमांड करेगा दोस्तों, तो हमारा ये ऑन हो जाएगा। तो उसके बीच में कभी कभी क्या होता है कि इसके बीच में कार्बन आ जाता है तो ये 2 पे सप्लाई नहीं देता है, 4 में आने के 2 में जरूर दे रहा है, पर इसमें एनसी कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है, कांटेक्ट नहीं बनने के कारण ये हमारा जो हीटर है ऑन नहीं हो पाता है, और हीटर ऑन नहीं होता है तो ओवर आइसिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ओवर आइसिंग प्रॉब्लम आता है तो अपन को हीटर को अपने को कंटिन्यूटी चेक करना है, या तो सप्लाई आप चेक करिए, टेस्टर से देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको गोदरेज में दिखाया था उस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो हम इसमें सप्लाई है जैसे, तो 2 नंबर में भी टेस्टर से चेक करेंगे तो अपना सप्लाई आना चाहिए। अगर आपके पास क्लैम मीटर है तो क्लैम मीटर से भी आप न्यूट्रल और इसके बीच में अपन करेंगे तो 230 वोल्ट आना चाहिए। और उसके बाद अगर वो इस बीच में अपन अच्छे से अगर ऐसा नहीं होता है तब हमको टाइमर चेंज करने की आवश्यकता है। और कई बार क्या होता है टाइम हमारा अगर ये मोटर में मतलब इसके अंदर जो मोटर होता है कॉइल में भी अगर एक नंबर और 3 नंबर सप्लाई देते हैं, अगर नहीं चलता है, काम नहीं कर रहा है, तो उस बीच में भी क्या है कंप्रेसर तो ऑन होगा पर हमारा जैसे कमांड 8 घंटे के बाद इसमें देगा तो दोस्तों ये सप्लाई तो जाएगा, डिफ्रॉस्ट होगा, उसके बाद भी स्टार्ट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हमारा मोटर खराब है, 1 नंबर जब फिर से न्यूट्रल जाएगा तो भी वापस नहीं होगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से उस बीच में भी हमको टाइमर चेंज करने की आवश्यकता है।
हर वीडियो में मैं बता चुका हूँ। और बायमेटल का भी वर्क आपको मालूम है, -5 डिग्री में काम करता है और +10 डिग्री में ये एनसी होता है और ये ओपन हो जाता है 210 डिग्री में। अगर उस बीच में भी हमारा ये कंटिन्यू एनसी है तो भी खराब है। अगर हमारा थोड़ा देर चलता है और थोड़ा देर के बाद तुरंत वो वापस हो जा रहा है तो भी हमारा बायमेटल खराब होता है दोस्तों। और थर्मल फ्यूज, अगर थर्मल फ्यूज हमारा ओपन हो गया तो सप्लाई आगे को नहीं जाएगा, न्यूट्रल नहीं मिलेगा, तो इसको भी हमको चेक करना जरूरी है। थर्मल फ्यूज अगर फेलियर होता है तो थर्मल फ्यूज ही आप लगाएंगे, फ्यूज लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टेम्परेचर फ्यूज है दोस्तों, टेम्परेचर आने पर ये काम करता है। अत्यधिक 70 से 80 डिग्री के तापमान जब आएगा तो थर्मल फ्यूज ओपन हो जाएगा, काम नहीं करेगा, अगर आगे सप्लाई नहीं देगा। इसको लगाने का मकसद ये है क्योंकि ये सेफ्टी के लिए रहता है, क्योंकि जस्ट ये हीटर के ऊपर में जो कॉइल एवोपेटर कॉइल होता है जस्ट हीटर के जस्ट ऊपर में यहाँ पर लगाया जाता है दोस्तों। कभी भी थर्मल फ्यूज को आप आजू बाजू साइड या ऊपर में मत लगाइएगा। अगर एलजी का है तो एलजी का एवोपेटर कॉइल में ही रहता है दोस्तों, इस कारण से उसका साइड में दिया रहता है। और जो ग्लास वाला होता है तो ग्लास वाले के में हरदम नीचे लगा रहता है, तो आपको नीचे लगाने की आवश्यकता है दोस्तों। हीटर को भी वैसे ही चेक करना है हमको दोस्तों। अगर आपके पास सीरीज टेस्ट लैंप है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप क्लाइमीटर से भी डायोड मोड में डाल के आप रेजिस्टेंस उसका मतलब जो वैल्यू है वो आप बताएगा दोस्तों, तो उससे आपको डायग्नोस होगा। अगर कंटिन्यूटी में बता रहा है, डायरेक्ट कंटिन्यूटी बता रहा है तो उसे सही डायग्नोस नहीं हो पाता है दोस्तों, क्योंकि इसका ग्लास फूट भी जाएगा तो भी वो कंटिन्यूटी बताएगा। तो सबसे अच्छा होता है कि आप डायोड में चेक करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक टेस्ट लैंप बना लीजिए, सीरीज टेस्ट लैंप बनाने के बाद इसको चेक करिए, और या तो उसे सेकंड है पैलर में मतलब डायरेक्ट 230 वोल्ट हल्का सा देंगे, तुरंत हटा देंगे, तुरंत गर्म हो जाएगा। तो इससे गर्म हो रहा है मतलब इससे समझिए कि हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर ओके है दोस्तों। बस यही है, अपने को चेक करना जरूरी है, आना चाहिए क्योंकि कैसे कार्य करता है इसका नॉलेज होना चाहिए, और ये कब कौन से समय में काम करता है ये भी जानकारी होना चाहिए दोस्तों। अगर ये जानकारी नहीं होगा तो आप कभी भी इसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे और वो समस्या बार बार आती रहेगी। सैमसंग में जिस प्रकार से बताया था सैमसंग में सेम है, सैमसंग में सिर्फ न्यूट्रल और फेस उल्टा फुलटा है, बस पलटी किया गया है वीडियो का मैसा है। और आप देखिएगा वीडियो में जैसे फैन मोटर को जो 4 नंबर से ही सप्लाई आएगा फेस पर, न्यूट्रल इसको डायरेक्ट दिया है, वो डोर स्विच से दिया है दोस्तों, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें सप्लाई इधर से आ रहा है और इसको 4 नंबर से न्यूट्रल मिल रहा है दोस्तों, ये ऐसा होता है। और इसमें आप चेक करेंगे वीडियो कॉल में ध्यान देना, तो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, 3 नंबर में न्यूट्रल मिलेगा और 1 नंबर में फेस मिलेगा दोस्तों। तो और जब ये बायमेटल एनसी होगा तो इसमें भी फेस आ जाएगा दोस्तों। जब क्यों फेस आएगा, क्योंकि यहाँ से इसका वायरिंग उल्टा है दोस्तों, तो ये हीटर में आएगा, हीटर से होने के बाद ये थर्मल फ्यूज में आ रहा है, थर्मल फ्यूज से होकर यहाँ से देखिए यहाँ से सीधा चला जा रहा है अपना 1 नंबर में, तो 1 नंबर में यहाँ से गया और थर्मोस्टेट से यहाँ आया, तो हमारा ये इसका मोटर ऑन हो गया, तो यहाँ पर अपना फेस आएगा, यहाँ न्यूट्रल रहेगा दोस्तों। और बाकियों में क्या होता है, यहाँ फेस होता है और यहाँ न्यूट्रल रहता है, बस इतना ही चेंजेस है और कुछ नहीं है दोस्तों। तो उस बीच में यहाँ पर जब ये एनसी हो जाएगा, जब -5 डिग्री आ जाएगा, तो इसमें भी वो तुरंत नहीं आता है, कुछ समय के बाद आएगा, तो इसमें भी सप्लाई आएगा। तो टेस्टर से आप चेक करेंगे तो ऐसा सप्लाई आएगा, मीटर से भी चेक करेंगे क्लैंप मीटर से, तो यहाँ से और इसके बीच में वोल्टेज बताएगा 230 वोल्ट दोस्तों। तो इस प्रकार से है, बस ये छोटी सी जानकारी, बस छोटा सा चेंजेस है और कुछ नहीं, सेम वायरिंग है और कंपनी भले अलग है पर सेम वायरिंग है। टाइमर का बस फर्क है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये 8 घंटा और 14 मिनट का है, वो 6 घंटा 40 मिनट और 12 मिनट का है, बस यही है जानकारी। इस प्रकार से ट्रेस कर सकते हैं, न्यूट्रल सीधा इसमें फेस आ रहा है, ओएलपी में आ रहा है, ओवरलोड प्रोटेक्टर में कंप्रेसर में जा रहा है। अगर ये फेलियर होगा तो आगे सप्लाई नहीं जाएगा, तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। अगर हमारा रिलेट खराब होगा तो ये स्टार्ट नहीं होगा, बार बार स्टार्ट लेगा, बंद कर देगा दोस्तों। तो इसी प्रकार का है तो वायरिंग है दोस्तों, और कुछ नहीं, सिंपल है, समझने की देरी है। मैंने सब प्रकार का वायरिंग हर कंपनी का पूरा डिटेल आपको समझा दिया है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत
काफी मदद मिलेगी इससे, ताकि आप कभी भी साइट में काम करेंगे तो बराबर आप इस प्रकार का वायरिंग को अगर दिमाग में रहेगा आपके, तो आप वायरिंग को समझेंगे। और इस प्रकार का सेम वायरिंग रहता है, वो छोटे आकार में रहता है, मैंने सेम इसको ड्रॉ करके पूरा मैंने इसको बड़े में और उसमें समझाने की कोशिश की है। और मेरे ये मेहनत में चाहता हूँ कि हर से अच्छे से अच्छे आप इस साल में 2023 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो दोस्तों, और अच्छे से काम को सीख सके। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के बीच में कुछ अच्छी चीज़ों को सिखाने की दोस्तों, जैसे कि नए लोग हैं दोस्तों, तो नए लोगों के लिए बहुत इससे काफ़ी आसानी होगा दोस्तों, और कभी भी आप लोग कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर आप नए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से अगर सीखना चाहते तो मेरे चैनल में आप निरंतर बने रहिए, और आप लोग का प्यार चाहिए, आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी मैं आप लोग को बहुत सारी जानकारियाँ इस 2023 में देने वाला हूँ दोस्तों, जो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम को अभी तक मालूम नहीं है, तो उसके बारे में हम आगे और जानेंगे दोस्तों। बस ये छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को दिया, अगर आप लोगों को कोई भी समस्या है समझ में नहीं आता है तो दोस्तों इसको बार बार दो से चार बार देखिए, या तो फिर इसी प्रकार का आप ही डायग्राम बनाकर अपने फाइल बना के आप घर में रख सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, हर जगह में हर थंबनेल में देता हूँ, हर डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ और स्क्रीन में भी चलता रहता है दोस्तों, तो वहाँ देख के आप व्हाट्सअप करिए और जो भी आपकी समस्या आप बताइए, मैं अगर हो सकेगा समय निकाल कर आपको जवाब दूंगा। और मैंने अभी सैमसंग का भी रख दिया है आपके सामने, आप देख लीजिए, और कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस सिर्फ ओनली एक दो जगह पे है आपको, जैसे कि मैं इसमें दिखाया हूँ और इसमें भी सेम है, और ये डायरेक्ट ना देकर ये डोर स्विच से दिया है, और कुछ भी इसमें कोई चेंजेस नहीं। सैमसंग और वीडियोकॉन का जो है दोस्तों उसी प्रकार की वायरिंग है दोस्तों, और उसमें भी रनिंग कैपेसिटर है, इसमें भी रनिंग कैपेसिटर है दोस्तों, सिर्फ कलर का थोड़ा बहुत सेम है वो भी लगभग, और कलर का हर कंपनी अपना अपना देती है। तो अगर आपको पूरी अगर इसके नॉलेज मिल जाएगा तो आपको कभी भी ये समस्या नहीं आएगा दोस्तों। तो बस अब मैं आशा करता हूँ, और ये साल में आप लोग को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, आप 2023 में प्रवेश किए हैं दोस्तों, और मैं चाहता हूँ अच्छे से अच्छे आप अच्छे टेक्नीशियन बने और खूब अच्छा काम करें और अपने काम को सुधारने की कोशिश करें दोस्तों। और बस इतना छोटा सा जानकारी है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट अब वायरिंग का हो गया, और अब अभी मैं कोशिश करूंगा और कुछ नई जानकारी आप लोग को देने के लिए कोशिश करूंगा। बस ये छोटा सा वीडियो सा यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में कुछ नई बातों को सिखाने वाला हूँ, और आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।